हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच एक बार पुनः आ चुका हूँ। मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही दिनों से हमें कमेंट कर रही थी और आप लोग बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक बार कटअप वाला वीडियो लाइए BTSC पर, और एक बार अंतिम कटअप वाला वीडियो लाइए संशोधित कटअप। तो इस वीडियो में हम आपको BTSC ANM 10709 के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानकारी आपको देने वाला हूं। खास करके मैं जो आज बात करूंगा वो कट ऑफ पे बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को, चाहे ये वीडियो 15 मिनट के बने या फिर 20 मिनट के बने, आप लोग फुल डिटेल्स में इस वीडियो को देखिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को बीच में स्किप करके भागा भागा कर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, वहां से भी हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हो या फिर आप लोग कमेंट करिएगा। अगर बहुत अच्छा लगे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड एक छोटी सी भी जानकारी हो ना तो सबसे पहले और सटीक जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बार यहाँ पे नजर दौड़ाइएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम नजर दौड़ाइएगा। यहाँ पर देखिए हमने कट ऑफ लिखा है। कट ऑफ आज आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा कैसे कट ऑफ हम बनाएंगे, किस आधार पर कट ऑफ बनाएंगे, क्या मेरा बेस होता है बनाने का, ट्रिक होता है, क्या तकनीक है, किस अनुसार करेंगे, वो चीज देखेंगे। इसलिए कट ऑफ वाला ये बॉक्स मैं खाली छोड़ दिया हूँ। कट ऑफ भरेंगे इसमें किस कैटेगरी का कितना जा सकता है, ये सीट है, सीट मेरे पास कितना है जनरल कैटेगरी में, तो 3539 है ना, देख लीजिए, सीट देखना जरूरी है, फिर आप लोग कट ऑफ समझिएगा। EWS कैटेगरी में 868, SC कैटेगरी में 2188, ST कैटेगरी में 82, EBC कैटेगरी में 2403, BC कैटेगरी में 1191, और MBC यानी कि महिला पिछड़ा वर्ग में आप लोगों को 438, और टोटल सीट की यहाँ बात करेंगे, टोटल सीट, तो टोटल सीट मेरा कितना हो गया 10709। इतना सबको जानकारी होगा, नहीं जानकारी होगा तो देख लीजिए एक बार पुनः याद कर लीजिए ये सीट की संख्या है। अब यहां पर आपको एक पॉइंट सबसे पहले यहां से देख लीजिए, एक पॉइंट इस चीज को बता देता हूं, फिर पॉइंट पर चलूंगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है, चयन प्रक्रिया, वो ANM मार्क का 60% अंक लिया जाएगा, ANM का दोनों ईयर के मिला करके, ठीक है ना, दोनों ईयर के मिला करके 60% अंक, यानी कि 60 अंक। जब GNM का कोर्स कर चुकी हो या फिर BSc का नर्स कर लिए हो आप लोग, तो उसमें से आपको सीधे 15 अंक दे दिए जाएंगे, और एक्सपीरियंस में एक वर्ष के लिए पांच अंक, यानी कि एक से गुना करके पांच से पांच अंक हुआ, अधिकतम 5 वर्ष का ही आप लोग को एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। भले ही आप 6 वर्ष क्यों नहीं नौकरी कर चुकी हो, लेकिन एक्सपीरियंस का लाभ सिर्फ 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष में 5 से गुना कर देंगे, चूंकि 1 वर्ष में 5 अंक, तो 5 वर्ष में 5 से तो 25 अंक इतना ही मिलेगा एक्सपीरियंस पर। इस पॉइंट को शायद आप सारे कैंडिडेट मेरी प्यारी सिस्टर आप लोग समझ गई होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं पॉइंट का, काउंसलिंग का। देखिए सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगा कि अभी जो मैं कट ऑफ बनाने वाला हूं, ये अनुमानित कट ऑफ होगा, अनुमानित यानी कि हम लोग एक एक्सेप्टेड करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल दिया वो पक्का हो जाएगा, लेकिन जितना बता रहा हूं उसी के 2-3 मार्क आगे, 2-3 अंक आगे पीछे समझ के चलिएगा, उतना लगभग आ सकते हैं। अब काउंसलिंग के लिए जो स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे काउंसलिंग के लिए, वो आपको दुगुना, ठीक है, दुगुना या फिर 2.5 गुना, इस चीज को याद रखिएगा, या तो दुगुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे या फिर 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। तो अगर हम लोग मान के चलते हैं कि सिर्फ दुगुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो ठीक है, ज्यादा ही बुलाया जाएगा, लेकिन सिर्फ हम दुगुना कैंडिडेट लेते हैं, 2.5 गुना बुलाया जाता है लगभग हर काउंसलिंग में BTSC के माध्यम से, लेकिन हम सिर्फ 2 गुना लेते हैं, सिर्फ दुगुना करेंगे, तो दुगुना कैंडिडेट करेंगे तो 10709 टोटल सीट है ना, टोटल सीट है 10709, इसमें 2 से गुना कर देंगे, इतना कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो 20,000 इसमें कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 1418 है ना, यानी कि 1418 यानी कि 2118 यहाँ पर कैंडिडेट हो जाएगा। इतना कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है, 2 से गुना कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 8, 1, 4 है ना, 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 20,418 कैंडिडेट हो जाएंगे आप लोग के बीच।
सॉरी फ्रेंड, यहाँ से अगर आप लोग गुना करेंगे तो गुना में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, इसको गुना सही से हम लोग कर लेते हैं तो सही से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया और 1 यहाँ पर 2, यानी कि 21,000 यहाँ पर 418 कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे अगर सिर्फ दुगुना कैंडिडेट को लेते हैं तो। याद रखिएगा, अगर सिर्फ दोगुना कैंडिडेट को लेते हैं तो 21,418 कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि टोटल 2114 कैंडिडेटों को बुलाया जा रहा है। अब आप लोग इसमें से एक पॉइंट और देखेंगे, यहां से मेरा यहां से क्या निकल गया कि टोटल काउंसलिंग में कैंडिडेट की संख्या 21,418। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं काउंसलिंग में कितने कैंडिडेटों को बुलाया जा रहे हैं, काउंसलिंग में तो 21,418 कैंडिडेट को, ठीक है, काउंसलिंग के लिए यहां पर देख लिख लेते हैं, काउंसलिंग के लिए 21,418 कैंडिडेट को बुलाया जाता है ना। इसको मिटा देते हैं, यही भी लिख लेंगे हम लोग, चलिए इसको भी यहां से मिटा दीजिए। अच्छा से गौर से देखिएगा, सारा कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, जो काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को बुलाया जा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए सिर्फ दुगुना किए हैं उससे ज्यादा ही होगा, 21,418 कैंडिडेट इतना काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अब जो पेपर के माध्यम से यहां पर बताया जा रहा है कि फॉर्म भरने वालों की संख्या, फॉर्म भरने वालों की संख्या पेपर के माध्यम से जो बताया जा रहा है, सिर्फ फॉर्म भरने वालों की संख्या कितना फॉर्म फिलअप हुआ है तो 49,000 यानी कि 50,000 कैंडिडेट यहाँ पर ले लीजिए। सही बात है कि 50,000 के आसपास ही फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेटों की यहाँ पर कहना है कि सर रजिस्ट्रेशन का 4 अंक इतना है, रजिस्ट्रेशन का 4 अंक इतना है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करना और पूरा फाइनल फॉर्म को सबमिट होना दोनों अंतर की बात है, दोनों अलग अलग चीज है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया लेकिन फॉर्म को पूरा सबमिट नहीं कर पाता है, फॉर्म को पूरा सबमिट नहीं कर पाता है, इसीलिए आप लोग उसको ये इग्नोर करिए। यहाँ पर फॉर्म भरने की संख्या सिर्फ 50,000 के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब पेपर के माध्यम से जानकारी दिया जाता है तो वो लोग ऐसा नहीं होता है कि अपने मन से कुछ ना कुछ यहाँ पर छाप दे, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा यहाँ पर उसका भी बहुत बड़ा औद्योगिक होता है, उसको भी सबको समझ बुझ कर छापना होता है, गलत सलत नहीं छाप सकते हैं। बाय द वे कुछ मिस्टेक हो सकते हैं लेकिन उतना नहीं होता है। जैसे कि आपको एक मिस्टेक दिखाऊंगा पेपर में, उस दिन छापा गया था कि 10,600 कैंडिडेट, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल रूप से 10,709 कैंडिडेट है, हम आपको पहले भी जानकारी देते, ये थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है लेकिन वैसा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि फॉर्म भरने की जो संख्या है वो यहाँ पर 50,000 है। अब यहाँ पर आप लोग इस चीज को कैलकुलेशन करिएगा कि जब फॉर्म भरने की संख्या 50,000 और काउंसलिंग में 21,418 कैंडिडेटों को बुलाया जाना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लगभग आपको 29,000 कैंडिडेट के आसपास है ना, 29,000 कैंडिडेट के आसपास यहाँ पे पहले छांटे जाएंगे, ठीक है। तो हमें 21,418 कैंडिडेटों का ही काउंसलिंग के लिए कट ऑफ निकालना होगा, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इतना कैंडिडेटों को बुलाया जा रहा है, 29,000 कैंडिडेट यहाँ पर पहले से हट जाएंगे। और इस 21,418 कैंडिडेटों के लिए कट ऑफ क्या होगा, बस वही देखेंगे ओनली काउंसलिंग के लिए, ठीक। तो चलिए अब हम लोग कट ऑफ के लिए सोचते हैं, हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ कैसे कैसे होगा। अब यहां पर मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, अब यहां पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, एक चीज देखिएगा। सबसे पहले एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट यहां पर है, एक्सपीरियंस मान लीजिए अधिकतम लेकर चलेंगे, ठीक है, अधिकतम मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टर है या कोई क्या, सारे सिस्टर के पास मान लो कि 5 वर्ष का मान लेते हैं अधिकतम, ठीक है ना, मान लेते हैं कि 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है। अगर इनके पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो इनको 25 नंबर यहां से मिल जाएगा, ये तो इसमें कोई काटने वाली बात नहीं है। किसी के पास 4 वर्ष का भी होगा, किसी के पास 3.5 वर्ष का, किसी के पास 2.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, इस तरह से होगा। अधिकतम हम 5 वर्ष ही मान के चलते हैं, तो इनके पास 25 अंक हो गया एक्सपीरियंस का। मान लीजिए कि वो लोग बहुत पुराने हैं, पहले समय के हैं, क्योंकि 5 वर्ष तो एक्सपीरियंस का हो गया, उससे पहले वो लोग पढ़ाई किए होंगे, नौकरी लिए होंगे, तो मान के चलिए कि कुछ भी हुआ होगा तो यहाँ पर 70% से तो कम अंक नहीं मिला होगा। कितना भी पुराना एएनएम होंगे, कोई भी एएनएम होंगे, तो 70% से कम अंक इन लोगों को नहीं मिला होगा, ये बात तो कन्फर्म है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 25 अंक इन लोगों को यहाँ से मिल गया, 25 अंक यहाँ से मिल गया, और 70 अंक की बात करिएगा, तो अब 70 अंक की बात करेंगे यहाँ से, तो 70 में 0.6 से गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को 60% अंक एएनएम का लिया जाता है, एएनएम का 60% अंक लिया जाता है ना। तो इस तरह से 0.6 से गुना करेंगे तो 7 से 42 यानी कि 42 अंक यहाँ से इन लोगों को मिलेगा।
0.6 से गुना कर देना है जितना परसेंट है, दोनों ईयर का एनएम का अंक है, दोनों ईयर का, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से टोटल आप लोग देखिएगा तो 5, 2, 7 और 4 और 2 6, ये इसका अंक बना अंक में, पॉइंट में, जिस जो आपको बीटीएससी के द्वारा कट ऑफ निकाले जाएंगे। तो ये अंक बना, इस तरह से आप लोग अपना अंक निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस वाले के लिए है। तो मैं सीधी तौर पे कहना चाहूंगा कि जितने भी एक्सपीरियंस के सिस्टर है उन सारे सिस्टर की संख्या अधिकतम 3000, अधिकतम, अधिकतम मैं बात कर रहा हूँ, न्यूनतम नहीं, इससे कम ही है, इससे ज्यादा नहीं है, अधिकतम 3000 ही संख्या है। तो मान लेते हैं कि ये 3000 के 3000 सिस्टर को नौकरी लग जाएंगे, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है और इनके पास कम भी परसेंट होगा तो इधर से ज्यादा ऐड करेंगे तो ये लोग को हो जाएगा। तो मान लो कि 3000 को हो जाएगा, अगर 3000 के हो जाता है कितना में, तो 10709 में, तो 10709 कैंडिडेट में मान लो ये एक्सपीरियंस वाले सिस्टर की सीट छोड़ देंगे, फिर भी यहाँ पर 7709 कैंडिडेटों की संख्या बचता है ना। तो अब हम लोग 7709 कैंडिडेटों पर लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए सिर्फ 7709 जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनकी संख्या भी ज्यादा है, और उन लोग इसी को हम लोग तय करेंगे, क्योंकि ये 3000 हटा दीजिए क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनका होना ही होगा, है ना। तो इस चीज को छोड़ देंगे। अब 7709 देखिएगा, तो इसमें से आप लोग 3000 कैंडिडेट तो यहाँ पर है, तो काउंसलिंग के लिए इसका दुगुना बुलाया जाएगा, यानी कि 6000 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, है ना। अब ये 6000 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे तो 21000 में से ना 6000 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, तो 6000 इसमें से पहले माइनस कर दीजिए, तो 6000 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि लगभग 15000 कैंडिडेट मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाएगा हम क्यों बोले थे कि कट ऑफ आप लोग को कम जाने वाला है। देख लीजिए 3000 कैंडिडेट तो तय है उन लोग का होगा जिनके पास एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। तो 21400 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाया जा रहे हैं, 418 दुगुना के आसपास हम लोग करते हैं, तो इसमें से 6000 एक्सपीरियंस वाला तो ले जाएगा सीट, क्योंकि 6000 एक्सपीरियंस वाला काउंसलिंग करवाएंगे, है ना, 6000 अधिकतम, 3000 की संख्या से उसका दुगुना, तो लगभग 15000 कैंडिडेट जो फ्रेशर होंगे उन सारे कैंडिडेटों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए होगा। अब समझ सकते हो कि सिर्फ 15000 कैंडिडेट जो फ्रेशर के लिए यहाँ पर उनको काउंसलिंग लिए जाएगी, सिर्फ फ्रेशर के लिए, समझ सकते हैं। अब इस कैंडिडेट में 15000 में सारा कैटेगरी है, जनरल वी कैटेगरी है, उसके बाद आप लोग बीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, यहाँ पर विकलांग है, विकलांग मैं बाद में बता दूंगा एक साथ, इसलिए विकलांग वाले के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विकलांग है, ये सारे कैंडिडेट है, फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है। तो ओरली जो मेन रूप से जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इन पर हम बात करेंगे, ये सारे कैंडिडेट की संख्या इसमें है ना। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास 90 की संख्या में प्रतिशत है, फ्रेशर की मैं बात करूँ, एक्सपीरियंस को खत्म कर दो, 90% अंक है। बहुत ऐसे जिसके पास 89% है, 88% है, 87%, 86% है, ऐसे है। अब सोच सकते हो कि 15000 के 15000 के पास 90% तो नहीं होगा, थोड़ा सा खुद से भी सोचिए, कभी नहीं हो सकता है। मेरे पास जो डिटेल्स है, मेरे पास मतलब 10000 प्लस कैंडिडेटों की जो मार्क कमेंट किया गया, उस कमेंट को मैं बताना चाहूंगा, उसमें भी इतना 90% वाली संख्या ज्यादा नहीं है, 89 वाली ज्यादा संख्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट के उनके पास बहुत ज्यादा नंबर होगा, हाँ, और एक स्कूल में कुछ कैंडिडेटों की नंबर की जो संख्या होता है उनको ज्यादा दिया जाता है, दे दिया जाता है, उन लोगों में से 2-4 कैंडिडेट को होता है, इसलिए यह नहीं होना। आप ही सोचिए कि आपके इंस्टीट्यूट में कितने ऐसे सिस्टर है जिनके पास 90 अंक होंगे, नहीं होगा 90% अंक, बहुत सारे कैंडिडेट होगा, 1, 2, 3, 4 कैंडिडेट का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इस तरह से आप लोग को देख लीजिए कि ऑल ओवर ज्यादा नहीं होंगे। अगर यहाँ पर 90 अंक होंगे भी ये सारे कैंडिडेट जनरल में चले जाएंगे। अब यहाँ से गौर फरमाइएगा, अब देखिए जिनके पास 90 में होंगे वो जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। अब मान लो कि वैसा कैंडिडेट जिनकी 90% अंक है और ये कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के होंगे या फिर बीसी को होंगे या फिर एससी को होंगे या फिर एसटी को होंगे, तो इनका रिजल्ट तो जनरल में चला जाएगा ना, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा, इनकी परसेंट ज्यादा है, तो ये जनरल में जाएगा। जब जनरल में जाएगा तो इधर वाला सीट और खाली होगा, इधर वाले कैटेगरी को और फायदा होगा, है ना। और आपके जो 3000 एक्सपीरियंस की जो संख्या है, 3000 एक्सपीरियंस, ये सारे सिस्टर के नंबर जब ज्यादा होगा तो ये सारे कैंडिडेट जनरल में जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के यहाँ पर कैंडिडेट है उसको थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाला भी इनके पास नंबर ज्यादा होगा तो जनरल का सीट ले लेगा। इधर की कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट है अगर इनके पास ज्यादा संख्या में नंबर है, ज्यादा परसेंट है, तो ये भी जनरल में चला जाएगा, क्योंकि ऐसा रूल है, आप जनरल कट ऑफ फाइट करते हैं तो जनरल में आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो इधर वाले कैंडिडेट को कम कट ऑफ पे भी हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले कैंडिडेट को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, परेशानी है, बाकी और भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कट ऑफ के लिए परेशान नहीं होना है।
तो अब आप लोग इस अंदाजे पर आप लोग बिल्कुल रूप से खुद से भी तय कर सकते हो। चलिए पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हम कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। आपको हम जानकारी भी दे दूं, जो मेरे पास एनालिसिस है उसके आधार पर अनुमानित कट ऑफ की तरफ, आप जो जनरल कैटेगरी के जो भी मेरे प्यारे सिस्टर है उनकी कट ऑफ की संख्या आपको 90% तक रह सकते हैं। यह अनुमानित है 90% तक रह सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो EWS की संख्या, EWS की जो संख्या है, EWS की अंतर्गत जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं, इसको ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसकी जो बहुत से बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा यहाँ पर 80 बहुत हो गया कट ऑफ, ये समझ लीजिए। और यहाँ पर BC की बात करेंगे तो BC का 81 तक आप लोग थोड़ा सा देखिएगा BC का, चूंकि BC से कम जाता EWS का है ना, BC से कम जाता EWS का। उसके बाद अगर आप लोग EBC का करेंगे तो EBC वाला ज्यादा नहीं, यहाँ पर 7880 के बीच में आप लोग को जा सकते हैं। और यहाँ पर SC की कैटेगरी की बात करेंगे तो SC की कट ऑफ संख्या थोड़ा जाएगा, SC की बात करेगा तो यहाँ पर इन लोगों को 80 से 81 के बीच में इन लोगों को भी जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ST का 82 तक याद रखिएगा, क्योंकि ST की सीट कम है और इसकी संख्या ज्यादा रहते हैं, सीट कम होते हैं क्योंकि इसका छूट भी बहुत कम होता है, इसलिए इसका थोड़ा ज्यादा जाते हैं SC के कंपेयर में। और ये महिला BC है, महिला BC में जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए होंगे उनका भी कट ऑफ आ जाएगा, इसका भी कैंडिडेट 82 के प्लस ही रखेंगे, ठीक है ना। अब इस तरह से आपके कट ऑफ बन सकते हैं। अब आप जिन कैंडिडेट को यहाँ पर टेंशन होता होगा, परेशान मत होइएगा, ये अनुमानित कट ऑफ है, इसमें आप लोग 2 नंबर कम ही रखिएगा, 2 नंबर माइनस में बता देता हूँ, 2 से 3 नंबर आपको माइनस, 2 से 3 आप लोग कम ही रखिएगा, इसलिए कि ये कट ऑफ बहुत ज्यादा ही हो रहा है, ये उससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि 3 वर्ष का जो मैंने आकलन किया हूँ, 3 वर्ष का, जैसे कि 2021 पास आउट देख लीजिए, उसके बाद 2019 पास आउट देख लीजिए, 2020 पास आउट देख लीजिए, इन सारे कैंडिडेटों की जो मार्क की संख्या 2018 तक की हम जो कैंडिडेट देखे हैं, इनकी संख्या जो है मार्क की, इनकी संख्या थोड़ा ज्यादा है, नंबर ऑफ यानी कि नंबर जो है इसकी संख्या थोड़ा ज्यादा है, 80 के एवरेज में आ रहे हैं, लगभग हर कैंडिडेट को 80 के एवरेज में आ रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहूंगा एक चीज और आपको यहाँ से समझिएगा, इसको हटा देते हैं। जैसे कि आपको एक चीज और जानकारी दूंगा कि एक सेशन में बिहार सरकार के करीब 3000 कैंडिडेट ANM के लिए निकलते हैं, है ना, एक सेशन में, एक वर्ष में सिर्फ बिहार सरकार का सरकारी इंस्टीट्यूट से लगभग 3000 ANM निकलती है पढ़ के, 3000 ANM निकलती है पढ़ के। अब मान लो कि एवरेज हर स्टूडेंट को हम देखते हैं, लगभग 3 वर्ष का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, 80 से कम किसी को नहीं मिलता है, 80 से, बहुत से बहुत मिलता है तो 78 77 इस तरह से मिलता है ना, 78 77 इस तरह से। मान लो कि अगर एक वर्ष में 3000 कैंडिडेट निकलता है, 3000 में मान लीजिए कि अगर 75 का ही आंकड़ा लेकर चलिए, 75% का ही आंकड़ा, तो 3000 कैंडिडेट को 3 साल में आप लोग जोड़ लीजिए, 3 साल में तो 9000 कैंडिडेट ऐसे ही हो गया, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ की संख्या इस तरह से रह सकते हैं, आप लोग स्टूडेंट के आकलन भी लगाइए कि कितना स्टूडेंट यहाँ पर है, और बहुत दिनों से परमानेंट वैकेंसी नहीं निकली है तो सारे संविदा के साथ ही जितने पहले से यहाँ पर बेरोजगार है सारे कैंडिडेट भरेंगे, और ये डायरेक्ट मार्क बेसिस पर है, तो अंक जिनके पास जो है उतना तो है, परीक्षा तो है ही कि यहाँ पर परीक्षा है तो ज्यादा मार्क भी है, तो वो लोग परीक्षा में कम लिखेंगे, हम ज्यादा लिख लेंगे, है ना। तो स्टूडेंट की संख्या तो यहाँ पर बढ़ती गई लेकिन वैकेंसी आ नहीं रही थी परमानेंट, इसलिए सारे कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए हैं। तो इसलिए इस तरह से कट ऑफ की संख्या जा सकती है, इसमें 2 नंबर कम ही रखिएगा, जो मुझे अंदाजा लग रहा है, जो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कट ऑफ से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल गई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होता होगा या जिन कैंडिडेटों का मार्क कम होगा, आपको लगता होगा कि सर जो बताया मेरा कट ऑफ तो पार भी नहीं कर रहा है, मेरा अब नहीं होगा, तो मैं सारे कैंडिडेटों को कन्फर्म बता देना चाहता हूँ, यह हम लोग कैलकुलेशन के आधार पर जो एनालिसिस है उसके आधार पर बताया हूँ। ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ रहेगा या इससे ज्यादा चला जाएगा, कम ही जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप लोग इधर उधर मत होइए, लेकिन इतना के आसपास आप लोग को हो जाएंगे, है ना। अब मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो मेरिट लिस्ट के लिए अभी अंदाजा कुछ नहीं लगा सकता हूँ जब तक काउंसलिंग नहीं होता है, क्योंकि वहां पर नंबर स्टूडेंट कितने पहुंचते हैं, कितने डॉक्यूमेंट सही से वहां पर पहुंचा पाते हैं, वो सबका डिटेल्स तभी पता चलता है काउंसलिंग के टाइम में, इसलिए अभी बस एक अनुमानित कट ऑफ जो काउंसलिंग के लिए है उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपको फिर से बता रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो मैं हूँ आपका भाई चंदन, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलूंगा नई नई वीडियो में नई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।